नमस्कार, मेरे युवा और मेहनती सोयाबीन की खेती करने वाले किसान साथियों, सोयाबीन की फसल सोमनाथी करेगा सफल के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं सोमनाथी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपको सोयाबीन की फसल में अधिक उपज दिलाने के लिए। हमने पिछले एपिसोड में सही समय पर बुवाई और खरपतवार नियंत्रण के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे फसल की देखभाल और कीट प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर, जिससे आप अपनी फसल की उपज को और भी बेहतर बना सकें। सोयाबीन की फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। यह फसल को खरपतवार से बचाने और मिट्टी में हवा का संचरण सुनिश्चित करने में मदद करता है। पहली निराई गुड़ाई बुवाई के 20 से 25 दिन बाद और दूसरी निराई गुड़ाई 40 से 45 दिन बाद करें। पोस्ट इमर्जेंस खरपतवार नाशक। पोस्ट इमर्जेंस खरपतवार नाशक का उपयोग खरपतवार के अंकुरण के बाद किया जाता है। इमेजिथापेयर, क्विजालोफॉप एथिल, क्लोरीम्यूरॉन एथिल, सोडियम एसिफ्लोरफेन प्लस क्लोडिनाफॉप प्रोपार्गिल, फ्लुआजिफॉप, पीब्यूटिल जैसे प्रभावी नाशकों का उपयोग करें। इन नाशकों का छिड़काव तब करें जब खरपतवार का विकास प्रारंभिक अवस्था यानी कि खरपतवार 3 से 5 पत्ती की अवस्था में हो। इस अवस्था पर छिड़काव से प्रभावी नियंत्रण मिलता है। खेत में खरपतवार की स्थिति की सतत निगरानी करें और आवश्यकतानुसार पुनः छिड़काव करें। पोस्ट इमर्जेंस खरपतवार नाशक के साथ हमारे स्टार उत्पाद सिक्सर प्लस का उपयोग करें। सिक्सर प्लस विडिसाइड के नकारात्मक परिणामों को यानी कि फसल को झटका लगने से 80 से 90% तक रोकता है। पौधों में फुटाव और फाइटोटोनिक इफेक्ट को बढ़ावा देता है। स्टेम फ्लाई जैसे कीटों से बचाव करता है। फसल को 5 से 7 दिन के पिछड़ने से रोकता है। सिक्सर प्लस प्रारंभिक कीट नियंत्रण का पहला टीका है। कीटों से लड़ने की क्षमता लंबे समय तक देता है। जैसे क्रिकेट के खेल में सिक्स लगने पर बॉल बाउंड्री के बाहर होती है, ठीक उसी प्रकार सोमनाथ का सिक्सर प्लस जब आप आपकी फसल में उपयोग करते हैं तो समस्त प्रकार के कीट आपके खेत की बाउंड्री से बाहर हो जाते हैं और साथ ही फसल को भी स्वस्थ रखते हैं। कीट प्रबंधन के लिए हमारे अन्य उत्पाद शिखर, लिंगा, हमला सुपर आदि भी उपयोग कर सकते हैं। खेत में जल निकासी की सही व्यवस्था करें ताकि अधिक पानी जमा न हो और फसल को नुकसान न पहुंचे। प्रिय किसान भाइयों, फसल की देखभाल और सिंचाई के सही तरीकों का पालन करके आप अपनी सोयाबीन की फसल की उपज को बढ़ा सकते हैं। इसमें मैं सोमनाथी आपकी मदद करूंगा और हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम अगले चरण में आने वाले कीट और बीमारियां व उसके प्रबंधन की प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय किसान, जय सोमनाथ।